Statue of Unity. इन द चेस्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेस्ट के अंदर है और यू कैन से दैट की हार्ट के अंदर है। तो अभी वी आर इन द ट्रेन और हम लोग वॉलेट पर आ गए हैं। तो रिहान बताएगा, रिहान हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर, केवड़िया में, जो कि गुजरात में स्थित है। और उसी के लिए हमने कल नई टी शर्ट्स भी लिए हैं, ये टी शर्ट्स और इन्होंने नए शूज़। ये बताना ज़रूरी नहीं था ब्लॉग में, स्पेशल इसके लिए लिए। अरे यार पूल खोलने जा रही, पूल खोलने। हाँ, और कल हमने एक नया कुत्ता भी देखे थे जिसका हमें नामकरण करे थे। वो नाम हमें भी अनाउंस नहीं करेंगे, समय के साथ उसको अनाउंस करेंगे। हाँ, तेरे पास वो स्नैप है? ठीक है, वो भी हम डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम दोनों, मैं और रिहान, अहमदाबाद से निकले थे सुबह 7:55 पे। अहमदाबाद से हमारी ये ट्रेन थी जो हमें 10 बजे पहुँचा देगी, मैं आई गेस है ना, 10:40 तक हमें पहुँचा देगी एक नगर तक। फिर वहाँ से हमें 7.7 किलोमीटर वो स्टैचू यूँ कह सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो लेट्स सी वहाँ तक हम लोग कैसे क्या पहुँच पाते हैं। और अभी रिकॉर्ड करने में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है। आर यू कॉन्फिडेंट? चिल्ला के बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय, तेज भारत माता की जय। क्या गलत बात है? जय श्री राम, जय श्री राम, तेज जय श्री राम, तेज जय श्री राम। अपने देश में रहके अपने हमारा देश है ये तो। चलो अब इससे पता चलेगा कि रेहान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेके, ट्रिप को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि रेहान जो है वो कैमरे को देख के शर्मा रहा है और अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, सरनेम पर शर्मा है। तो चलो अब मिलते हैं आपको सीधा एकतानगर रेलवे स्टेशन पर, फिर वहाँ से शूट करेंगे आगे की जगह। Yes. अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? जंगल सफारी।
वाली जंगल सफारी, सो लेट्स गो। वही दोबारा जो फ्री वाली बस है वो मिल गई, उस पर बैठ के हम लोग निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए। सो लेट्स सी कैसा क्या व्यू होता है और कौन कौन से कुत्ते बिल्ली देखने को हमें मिलते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज मी, दिस इज रिहान, वी आर गोइंग टू जंगल सफारी। तो दिस इज़ मी, वेलकम बैक, एंड दिस इज रिहान। तो अभी अभी जंगल सफारी हम घूमने आए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ आगे 6 पॉइंट और हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सचेंज गॉगल्स, हाँ ओके लो। तो अभी हमने ये चश्मे एक्सचेंज किए, तो अभी अभी हमें पता चला कि यहाँ पे 6 पॉइंट और हैं, तो वो सारे 6 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिकल ऑटो से, पिंक पिंक कलर का जो ऑटो है इलेक्ट्रिकल ऑटो से। और अभी दीदी ने हमसे कितने 500 रुपए चार्ज किए हैं, हाँ। सारे 6 के 6 पॉइंट घुमाने के, हम कोशिश करेंगे कि 1:30 से 2 बजे तक हम जो है वो सारे 6 पॉइंट कवर कर ले, ताकि हम जंगल सफारी भी घूम पाए। और हमारा जो टिकट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, वो 2 बजे से 4 बजे तक का है, तो वहाँ हम टाइम पे पहुँच पाए। तो अभी हम जा रहे हैं, मी टू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये 6 पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, और रूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं रूट को एंजॉय करता हूँ, और कुछ कुछ व्यूज़ रहेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ मी गौरव, एंड दिस इज़ रिहान, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऐसी 6 जगह जिनका नाम हमें नहीं पता है। तो अभी अभी दीदी हमें लेके आई है डायनो ट्रेल में, और सबसे पहले हम डायनो ट्रेल को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी कैसा क्या होता है यहाँ पे। तो ये है डायनो ट्रेल का एंट्रेंस, ये है रिहान बाहर से। तो ये जा रहे हैं हम डाइनो ट्रेल, दिस इज मे एंड दिस इज रिहान। रिहान, हाउ आर यू फीलिंग इन डाइनो ट्रेल? यहाँ डायनासोर की असली किंग किंग ले रिहान, हाँ अब बताओ। यहाँ डायनासोर्स की असली पूंछें मिली गई थी। दोस्तों हम आ गए हैं अभी अभी यहाँ पर डायनासोर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इसका नाम था डाइनो ट्रेल, तो आओ मेरे पीछे पीछे और देखते हैं। यहाँ हमें ऐसा लगा, ओह एक पल को मुझे ऐसा लगा मानो कि कोई कपल यहाँ पर गुच्छी पुच्छी कर रहा है, पर ये तो अंकल थे। इस पार्क का ऑनेस्टली से फीडबैक दूं तो कुछ इतना ज्यादा खास लग नहीं रहा, बस थोड़ा सा सूथिंग है, डायनासोर वाइब है। पर तो ये डायनासोर के स्टैचू वगैरह हैं यहाँ पे, तो उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये देखिए ब्रश नहीं करता है, ये पीने रात हो रहा है इसके, सिगरेट ज्यादा पीता है ना ये। हाँ साला पीछे के दादे पीले हो रहे होंगे, हाँ है ना। हाँ चलो ला यहाँ लेते हैं। ये पार्क थोड़ा सा छोटा ऐसा हमें लग रहा है, एज यू सी, देखो ये देखो मेरे पीछे ये डायनासोर है। तो ये पार्क थोड़ा छोटा सा लग रहा है, बट वाइब जो है यहाँ की अच्छी है। कल 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 करके पानी बह रहा है, पाइप है पानी का, छोटा सा रास्ता है, मेरे साथ में रिहान है जो कि सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। फ़ोटो लूँ क्या है? तो उसका फ़ोटो लेता हूँ, फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम्हें व्लॉग में। तो ये जो डाइनो ट्रेल जो पार्क था वो रिहान ने और मैंने अभी अभी एक्सप्लोर किया, और इसमें हमें क्या मिले, 3 ड्रैगन के स्टैचू। तो ड्रैगन के स्टैचू जो थे, तू क्या चूस रहा है भाई? फूल। फूल चूसने से क्या होता है? मीठा मीठा लगता है। तो ऐसे जो पीछे दिख रहा है ना आप, ऐसे ड्रैगन के 3 स्टैचू मिले। हाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाने के हिसाब से, पिक्चर के बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हाँ देखने लायक जगह है ये, मैं बोल सकता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे घूमने में, 5 से 10 मिनट में सारा पार्क जो है वो आप एक्सप्लोर कर लोगे। तो अभी रिहान वापस चलते हैं, कहाँ, ऑटो के पास, ऑटो के पास चलते हैं, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो लेट्स गो, निकलते हैं बाहर डाइनो ट्रेल पार्क से, पहली डेस्टिनेशन खत्म डाइनो ट्रेल। तो डाइनो ट्रेल पार्क एक्सप्लोर करने के बाद अब दीदी हमें लेके जा रही है यहाँ पे डैम दिखाने, तो लेट्स सी डैम का व्यू कैसा क्या होता है, देखते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो डायनासोर वाले पार्क का? कुछ खासा नहीं रहा, डायनासोर्स जिंदा होते तो मजा आता, तो मजा आता, बाकी नॉर्मल से ही था। 5-10 मिनट में कवर करने में इतना टाइम नहीं मिलेगा, अब लेट्स सी डैम को कितनी देर में हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। चलिए चलते हैं डैम को देखने, लेट्स गो।
सो नाउ मी एंड रियान हेयर टू एक्सप्लोर द डैम। और यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ड्रोन उड़ाना यहाँ पे मना है, अगर ड्रोन उड़ाओगे तो आतंकवादियों की तरह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। क्यों रेहान, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम तो होशंगाबाद का नाम है। हाँ, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ओह माय गॉड, वी आर इन मध्य प्रदेश। ओह शिट, यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं पर खुली एक भी नहीं है। हाँ चलो डैम का व्यू देखते हैं। हाँ डैम का व्यू देखते हैं और इनको दिखाते हैं। लेट्स गो। इतनी सारी मुश्किल वक्त घट्टी चढ़ने के बाद पता चला है कि यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टच द हैंड रेल। अरे बाबरी, अरे मोरी भैया, देख रहे हो पीछे इतनी ऊंची घट्टी चढ़ के आए यार, घाटी। अरे भाई री, हाँ फाइनली पहुंच गए। यहाँ से देखेंगे अब डैम और आपको दिखाएंगे क्या रेहान डैम। डैम ओवरफ्लो लेफ्ट साइड, दिस इज द कंस्ट्रक्शन फेस ऑफ द डैम एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज डैम। शो यू द डैम। सो दिस इज द डैम, सरदार सरोवर डैम इज हियर गाइस। दिस इज सरदार सरोवर डैम। हमने जो हमारा डैम था वो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। क्यों रियान? हाँ डैम हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ के बोटिंग पॉइंट पे। बोटिंग पॉइंट और उसके सामने क्या बताया था दीदी ने, टेंट साइल, टेंट सिटी रिजॉर्ट। तो लेट्स सी उन दोनों को भी एक्सप्लोर करेंगे कैसा क्या सीन है वहाँ का। सो टेंट सिटी रिजॉर्ट और बोटिंग पॉइंट, मन हुआ तो देखते हैं बोटिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, एक्साइटिंग लगा तो करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सोमनाथ में और द्वारका में बहुत ज्यादा वोटिंग कर चुके हैं और वोटिंग कर करके हम लोग छक गए हैं। तो चलिए चलते हैं और देन देखते हैं वहां का कैसा क्या व्यू। डैम का पानी यहाँ रोड तक आ जाता है क्या दीदी? नहीं आता, अंदर ही अंदर रहता है। मनाली जैसी वाइब नहीं आ रही इधर पे है, उत्तराखंड वाली टाइप। दिस इज टेंट सिटी नर्मदा और इसके उस साइड है बोटिंग पॉइंट। हम काफी ज्यादा थक चुके हैं फोटो ले लेके, रिहान और मैं, ये दोनों जगह जो थी वो हमने देख ली है, आपको भी दिखा दी है। अब एक और कोई सी जगह है जिस जगह का नाम मुझे आ नहीं रहा, वो वहाँ वही पहुँच के दीदी से पूछ के फिर बताऊंगा। अब जा रहे हैं हमारी लोकेशन पर। तो रिहान कैसा लग रहा है अब तक तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, बस कुछ आंड खाओ लोग बहुत ज्यादा मेरे आंड खा रहे हैं, मेरे को उस चीज से बहुत आपत्ति हो रही है। चलिए इस आपत्ति की पुष्टि की जाएगी, इस आपत्ति की कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ लिए कर रहा है। और अभी बस हम लोग चले जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। लेसी और कितना कैसा क्या एंजॉय कर पाती है। मैं बड़े मियाँ, मेरे साथ छोटे मियाँ रिहान, कैमरा मैन गौरव दुबे के साथ रिपोर्टर रिहान शर्मा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये यहाँ से चक्कर आ रहे हैं जिसको देखने में,
ये पानी आ रहा है यहाँ से, मियाँ यहाँ से आते। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है ये हमें पता नहीं है, दीदी ने नाम बताया था पर हमें याद नहीं है, पर ये हमारा चौथा पांचवा पॉइंट है ना। टोटल छह पॉइंट हम विजिट करने वाले थे 500 रुपए में, लेकिन ये हमारा पांचवा पॉइंट है और इसका हमें नाम नहीं पता हमें, लेकिन हम पूछेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेट्स एक्सप्लोर। ये पीछे देख रहे हैं, ये इसको देख के ना ऐसा इल्यूजन टाइप का हो रहा है ना ये पानी, और ऐसा पता है ऐसा मन कर रहा है कि इसमें जाओ, बढ़िया स्लाइड कूद जा साला, घुटना पानी है ऐसे, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी होगा ना मजा आ जाएगा। क्यों? यस चलो लेट्स गो नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कूद रहे चलो भाई कूदते, सुबह मिलते हैं, जिंदा बच्चे तो मिलेंगे, चलो याद ना था आपको, बोलो अगली डेस्टिनेशन में मिलेंगे, अगली डेस्टिनेशन में मिलेंगे गाइस हम लोग। ओके जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम दादा। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने हमारी जो पांचवी डेस्टिनेशन थी वो भी एक्सप्लोर कर ली है, अब हमारी छठी जो है वो रिवर राफ्टिंग पॉइंट है। अगर हमें ऐसे पहले पता होता कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है तो हम उस हिसाब से अपनी जर्नी को प्लान करते हैं। हालांकि दीदी ने बताया कि 3:30 या 3 बजे का कोई स्लॉट है, हम रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बट हमने पहले से ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 350 रुपए वाला टिकट लेके रखा हुआ है और जंगल सफारी का टिकट भी लेके रखा हुआ है। तो जो 350 वाला टिकट है वो 2 बजे से 4 बजे तक वैलिड है, तो अब वो टाइम पर पहुंचना है, इस चक्कर में राफ्टिंग जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले महीने स्पेशल राफ्टिंग के लिए आने का प्लान करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद सीधा जाएंगे जंगल सफारी, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। सो चलिए मिलते हैं अपनी रिवर राफ्टिंग वाली डेस्टिनेशन जो कि हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। रेहान जय श्री राम, जय श्री राम। So this is the pool. एक बार में 10 ही लोग जाएं रिहान। अरे यार तुम हमारा ऐसा वीडियो बनाना जैसे हम तुम्हारा बना रहे हैं। ठीक है चलो, अभी अपन वहां से लौट के आएंगे ना तो तुम हमारा बनाना ऐसा वीडियो। ठीक है, उरी पापरी, वाओ व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, लेट्स गो। Oh my God! Let's see, guys. What a view, Rehan. Come here. Run and come here. Oh my God! What a view. What a pleasant view, guys. I'm so happy. Elvis, bhai, kya hai bhai? Ho sakta hai kya? Elvis, bhai. Oh my God! What a bridge, guys. Oh, we are enjoying. टूरिज्म पार्क से आए हैं, छिंदवाड़ी रिवर राफ्टिंग का छुटैया उड़ रही है, रिवर राफ्टिंग वाला जो पॉइंट था, तो हमारे पास इतना इनफ टाइम तो था नहीं कि हम लोग रिवर राफ्टिंग कर सके, अगर हमारे पास टाइम रहता तो हम जरूर करते और एक दिन हम प्लान करेंगे स्पेसिफिक रिवर राफ्टिंग के लिए यहाँ आने का। तो अभी का जो भी सीन था हमारा यहाँ का, 6 के 6 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए दीदी के ऑटो से, दीदी ने सारे 6 पॉइंट हमें घुमा दिए और काफी अच्छे थे, एक्सप्लोर करने में मजा आया, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लोर किया, पर एटलीस्ट आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 2 दिन का प्लान लेके आए यहाँ पे रुकने का, 2 दिन में आराम से घूमेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा, बहुत सारी ऐसी बारिश और ठंड के मौसम में आने के लिए ये जगह एकदम बिल्कुल परफेक्ट और घूमने लायक जगह, वर्थ इट है यहाँ आना। बहुत कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है, नेचर का व्यू है और काफी अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करके रखा हुआ है। yes. और काफी ज्यादा मजा आया, ये जो 6 पॉइंट थे वो हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब बचा हुआ है हमारा जंगल सफारी और देन उसके बाद मेन पॉइंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं जंगल सफारी, तो दीदी हमें ड्रॉप देगी सीधे जंगल सफारी पे, वहां पे हम लोग उतरेंगे
और वहाँ उतरने के बाद देखेंगे जंगल में शेर बिल्ली कुत्ता चूहे और चलो चले चले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय दादा परशुराम। जय दादा परशुराम। मैं कैमरामैन दुबे जी, मेरे साथ मौजूद है पत्रकार और माइक होल्डर रियान शर्मा जी, माइक होल्डर ब्राह्मणों की छोरी, ब्राह्मणों की छोरी। जय दादा परशुराम। जय दादा परशुराम। Let's go. Let's go. Yo yo. Yo yo. JJ Bhaiyar. JJ Bhaiyar. JIPS. JIPS. बोले जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा. So guys, we are in the jungle safari. और हम लोग बैठ रहे हैं इस उड़न खटोले में. हम लोग बैठ रहे हैं इस उड़न खटोले में. मैं छोटे राम, ए बड़े राम. छोटे राम, बड़े राम, जय दादा परशुराम. स्नेक्स, अब हम आ गए स्नेक्स देखने. अरे देख लेंगे, अरे चलो अपन देखेंगे स्नेक्स. सो वी आर एक्सप्लोरिंग द स्नेक एरिया. यहाँ सांप ही सांप है, यहाँ कांच है, यहाँ सांप ही सांप है. ये रिहान है, ये भी सांप है. मैं सांप हूँ. रिहान सांप है पर रिहान सांप है. दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ जंगल सफारी. रिहान, वी आर अगेन सिटिंग इन डुगडुगिया. Rihan. Yes. How are you feeling in Dudubia? I'm good. Right now I'm feeling good. After a long time I see Akruti. Hey Pep! Urre! Bolna? Urre! Hey Pep! Urre! Urre! Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! Jai Dada Parasuram! Jai Dada Parasuram! Chote Ram, Bade Ram! Chote Ram, Bade Ram! Ram Ram! Ram Ram! This is Jungle Safari! Dinosaur! Dinosaur! कहाँ दिख रहा है? भैया क्या गाड़ी चला रहे हैं भाई आप? मृग वाटिका. We are in the मृग वाटिका guys. यहाँ भैया में मृग ही मृग. Oh my god. चलो मृग वाटिका. जंगल सफारी. हमें भी दिखाओ. जंगल सफारी. So guys, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर इन्होंने जाली लगा कर रखी हुई है इस पूरे एरिया में. और यहाँ पे कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15-20 प्रजातियाँ हैं बर्ड्स की, जो कि खुले में हैं, जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, फोटो ले सकते हो. तो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस. तो चलो चलते हैं. ये देखिए, ये है रोजी स्टारलिंग. यहाँ देखिए, यहाँ है लाल जंगली मुर्गी, वो दिख नहीं रही है, इधर कहीं छुपी होंगी. और ये सारी की सारी यहाँ ऐसे खुले में है. ये यहाँ का पॉइंट है. ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो कौन सी मूवी थी, वो जर्सी का पार्क है ना, जर्सी का पार्क. वाओ, जर्सी का पार्क, जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क. ये देखो, ये सारे वाइट्स हैं वो खुले में हैं. ये देखो, सी 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 सी. ये मेरी की Awesome place. ये देखो गाइस, उधर पे चोसिंगा फोर हॉर्न्ड एंटीलोप बार्किंग डियर है. वो भौंकने वाला हिरण. तो अभी अभी हम लोगों ने देखा भौंकने वाला हिरण. वी एम माय फ्रेंड रिहान. छोटे राम, बड़े राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. लेट्स गो. हमने देख लिए पक्षी, अब हमें अंकल दिखाएंगे पता नहीं कौन सा पक्षी. लेट्स गो रिहान. चश्मा तो हमारे पास भी है यार, इसमें धुंधला क्यों दिख रहा है? मुझे भी धुंधला दिख रहा है, इसको साफ करना पड़ेगा. मैं आएगी. सो लेट्स गो. टुडुम 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 टुडुम.
जंगल सफारी एंड वी आर नाउ वॉचिंग ढोल. वेयर इज ढोल? ढोल इज ऑल्सो कमिंग सून. सी दिस इज जंगल सफारी. दिस इज द व्यू ऑफ जंगल सफारी. नाउ भारतीय भेड़िया, इंडियन वॉल्फ, भारतीय भेड़िया. ये देखो रिहान शर्मा, भारतीय भेड़िया. अब तो मेरे पैरों में छाल चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई. ये कुछ अजंता एलोरा टाइप वाइब नहीं दे रहे ये पहाड़ है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. फिर आ गए भैया अपन कुड़ुकू टू 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 के पास. ओमिया इधर को देखो यार, मेरा तुम्हारा चश्मा टूट गया. हम लोग आ गए टाइम पे. आ गए क्या मियाँ? आ गए ना मियाँ. कहाँ को आ गए? कहाँ को आ गए? स्टैचू में आ गए. स्टैचू ऑफ यूनिटी में आते होनी. क्या क्या दिखता तुमको इधर? बड़ी सी मूर्ति दिख रही नहीं मेरे को? कौन की मूर्ति है मियाँ, तुमको मालूम है क्या? नहीं यार. चलो चलो ये देखते हैं ना. बैठ तू ओ मियाँ. तुम्हारा चश्मा किधर गया? टूट गया. मेरा चश्मा लेते क्या? नहीं. फोटो सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है. लेट मी शो यू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. देखना मियाँ, हाय करना. हीरो लग रही है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. सी दिस इज द व्यू ऑफ फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आउटसाइड. अबे गया है नीचे. मिलेगा भी नहीं भाई. So we are at the chest of स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेस्ट के अंदर है और यू कैन से दैट की हार्ट के अंदर है. ये देख सकते हैं आप, इधर स्टील वगैरह लगे हुए हैं जिनसे ये पूरी जो मूर्ति है वो बनकर खड़ी हुई है. स्टैच्यू पूरा खड़ा हुआ है. ये लाइन लगी हुई है लिफ्ट के नीचे जाने के लिए. सो एग्जिट से नीचे का कुछ ऐसा व्यू है. लिफ्ट से हम लोग नीचे आ गए हैं. तो ये यहाँ का ऐसा ब्यूटीफुल सा व्यू है विद ब्यूटीज. राजपुरोहित वंश के राजा. सबसे ऊंचे
यहाँ पे ये कोई मूवी थिएटर है, यहाँ पे यहाँ का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी कुछ है वो बताते कि कैसे क्या बना और क्यों बना। ये गुजराती लैंग्वेज में चल रहा है तो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट ये लोग गुजरात के ही है तो ये लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं हम लोगों के लिए हिंदी में चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम यहाँ से कट लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो सो गाइस दिस इज अवर एकता नगर रेलवे स्टेशन यार, और हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी लगभग 7:30 का टाइम होने वाला है और हम लोग पहुंच गए हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन उसी बस से जिस बस से हम लोग गए हुए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो एज यू सी रात में जो रेलवे स्टेशन है वो ऐसा, एक्चुअली आई एम शूटिंग विद माय फोन तो क्वालिटी इधर थोड़ा सा इशू हुआ, बट काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू है रेलवे स्टेशन का। आई गेस सो कि जो बस है वो अंदर तक ही छोड़ेगी जहाँ से उसने हमें पिकअप किया था वहाँ पे, लेट्स सी। बाकी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो ये है अंदर का व्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रेलवे स्टेशन का एकता नगर का, और यही वो ट्रेन है जो हम लोगों को लेके जाने वाली है, और यही वो ट्रेन थी जिससे हम लोग सुबह आए हुए थे। काफ़ी अच्छी ट्रेन है और टाइम पे चलती है और सीट्स भी आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। अहमदाबाद से ये ट्रेन चलती है और ये स्पेशली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ही है, जो कि सुबह अहमदाबाद से 7 बजे चलती है और 10:30 से 10:45 तक पहुँचा देती है, और रात को ये यहाँ से 9 बजे निकलती है और 11:30 बजे तक अहमदाबाद वापस पहुंचा देती है। तो ये है इस ट्रेन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद 20947 इसका वो है कोड। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बजने वाले हैं, 1 बजने में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की देरी है। तो अभी हमारा जो आज की जो ट्रिप थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर कर्म भूमि और अवर गेस्ट हाउस कोटेश्वर। संगत पाइलॉन डाल देना, संगत पाइलॉन संगत, हाँ। तो अभी वो ऐड कर रहा है लोकेशन, रियान पीछे बैठा हुआ है। संगत पाइलॉन स्पेलिंग SAN, अरे कुछ संगत भी लिख दिया, PYLON PYLON पाइलॉन। तो ट्रिप काफी ज्यादा अच्छी रही, लेट हो गया थोड़ा, अब सुबह मंडे है तो सुबह उठ के दोबारा वापस ऑफिस जाना है, तो लेट्स सी कैसी क्या एनर्जी रहती है सुबह के लिए। तो ये ब्लॉग यहीं तक था और ब्लॉग को करते हैं खत्म। सो सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट ट्रिप, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिप में, देखते हैं कहाँ की बनती है, दमन की बनती है, दीव की बनती है या फिर माउंट आबू की। सो लेट्स सी, सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। ऑप्शन दिखाएगा वो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।